लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वरुण शर्मा मालिक, गुड। इस शादी का कोई गवाह आया है क्या? जी हाँ आया है। आपको ये शादी मंजूर है? जी हाँ सर। और आपको? जी हाँ सर। ठीक है, यहाँ पर साइन करो। हेलो, आप रेसे साहब बोल रहे हैं क्या? जी हाँ। आप जिस लड़की की शादी करवा रहे हैं मैं उस लड़की का बाप बोल रहा हूँ, आप इस शादी को रोकिए। आई एम सॉरी, वो दोनों बालिग हैं और एक दूसरे को चाहते हैं। इस शादी के गवाह भी साथ में हैं। मैं ये शादी नहीं रोक सकता, सॉरी। सर, मेरी बेटी फंस गई है, उस लड़की की शादी पहले ही हो चुकी है। प्लीज 10 मिनट रुकिए सर, मैं अपने साथ पुलिस लेकर आ रहा हूँ सर, प्लीज। देखिए, वो लोग 1 महीने पहले ही शादी के लिए आवेदन कर चुके हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं ये शादी नहीं रोक सकता, प्लीज। सर, आप सिर्फ 10 मिनट इंतजार कीजिए, अगर मैं ये साबित नहीं कर पाया तो ये शादी आप करवा दीजिए। प्लीज सर, प्लीज। ओके ओके, 10 मिनट इंतजार कीजिए। सर, मेरे पिताजी ने आपसे कुछ कहा क्या? जी हाँ, उन्होंने कहा इस लड़के की शादी पहले हो चुकी है। नहीं सर, मेरे पिताजी को मेरा प्यार पसंद नहीं है, प्लीज आप उनकी बातें मत सुनिए, प्लीज सर। लेकिन वो तो पुलिस के साथ आ रहे हैं, देखते हैं। शादी रुकवाने के लिए वो झूठा नाटक कर रहे सर। अगर तुम्हारे पिताजी की बात झूठ निकली तो मैं शादी करवा दूंगा। आप हमारी शादी करवाइए प्लीज सर। आप कितने दिनों से प्यार करते हो? 2 साल से सर। अगर तुम इस लड़के को चाहते हो तो 10 मिनट रुक नहीं सकते? सर मुश्किल है, क्योंकि ये जवान लड़का है। आप कौन? मैं कॉर्पोरेटर हूँ, उसका भाई। शादी करवाओ। 10 मिनट रुकिए। 50,000 काफी है? अपने पास रखिए। इतना काफी नहीं है? आपको 1 साल के लिए अंदर करवा सकता हूँ, समझे? समय हो रहा है, जल्दी शादी करवाओ। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। क्या सलाह दे रहे हो? सही और गलत छोड़ो, अपना काम करो। सुनो सुनो सुनो, इसकी जायदाद के लिए मैं 1 साल से इस लड़की को समझा बुझा कर यहाँ पर लाया हूँ। आखिरी 10 मिनट में मेरे प्लान पर तुम पानी मत फेरो। ये बंदूक मेरे हवाले कर दो। ए, सबको गिरफ्तार कर लो, गैर कानूनी शादी करा रहे हो। चलो तुम्हें देख लूंगा, चलो देख लूंगा मैं। चलो ठीक है देख लेना। चलो देखो बेटी, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। मैं अपनी नौकरी की वजह से ऐसी शादियां करवाता हूँ, लेकिन लव मैरिज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैं ऐसी शादियां करवा चुका हूँ उनमें से आधी लोगों की जिंदगी खराब हो चुकी है। तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने बचा लिया। आज के बाद तुम अपने पिता की बात सुनो। मैं एक लड़की का पिता होने के नाते तुम्हें यह सलाह दे रहा हूँ बेटी, मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ, प्लीज। माँ, फिल्म का समय हो रहा है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, डैडी आते ही होंगे। मुझे तुम्हारे पिताजी की आदत पता है, इतनी जल्दी नहीं आएंगे। आज वो जल्दी घर आएंगे कह कर गए हैं। देखा, डैडी का फोन है। हेलो डैडी, कहाँ आओ? ऑफिस में। अभी तक आप ऑफिस में? मम्मी ने सही कहा था, आप नहीं आओगे। नहीं बेटी, थोड़ा वक्त लगेगा, यही कहने के लिए फोन किया, तुम तैयार रहना। ये तो रोज की बात है, पिक्चर बदलते हैं पर आप नहीं बदलते हैं। सॉरी बेटे, मैं ठीक 5:30 बजे पहुंच जाऊंगा। आप नहीं आएंगे तो माँ के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, प्लीज। आज किसी भी कीमत पर हमें कौन है शो देखना ही है। हा? क्या चाहते हो? कौन है बेटी? कौन है बेटी? फोन इधर लाओ, मैं बात करता हूँ। हेलो, कौन है? ला ला ला, मुझे दो मुझे दो, मैं बात करता हूँ। हेलो, कौन? इतनी जल्दी भूल गए? सुबह होने वाली शादी को रोककर तुमने मुझे गिरफ्तार करवाया। अभी मैं सीधे पुलिस स्टेशन से तुम्हारे घर आ रहा हूँ। आई बात समझ में? सुनो, शादी करके आराम से रहने वाला मेरा भाई आज भी तकलीफ में है। किसी भी लड़की से अगर मेरा भाई शादी करना चाहता है तो तुम्हें क्या तकलीफ थी? तुमने शादी को ऐसे रोका जैसे तुम्हारी लड़की से शादी हो रही थी। अब मैं तुम्हारी लड़की की शादी यहीं पर करवाऊंगा, अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो। मेरी बेटी को कुछ मत करना। ए, प्लीज। ए, सुनो, देखो मेरी बात सुनो। संध्या भाग जाओ यहाँ से। रुक जाओ, मेरी बेटी को कुछ मत करो। किधर किधर? तुम में से कौन इससे शादी करेगा? करूंगा ना शादी। अच्छा, तू कितनी बार दूल्हा बनेगा ये बता। चौथी बार। ठीक है।
हो जाओ। मैं अपनी बेटी को बजा सकता था, मुझे किसी गैर की मेहरबानी नहीं चाहिए। ऐसा मत कहिए, वो भी अपना ही लड़का है। कौन लड़का? जिस दिन मैंने उसे घर से निकाला वो मेरे लिए मर गया। इस घर में हम तीन हैं, मेरे लिए वो लड़का मर चुका है, मर चुका है। अशोक भाई अभी भी नाराज है क्या? मैं उन्हें मनाऊं क्या? इतना आसान नहीं है चिन्ना, राजीव संभाल लेगा। अरे चिन्ना, तुम बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, बड़ों के बीच में टांग मत अड़ाओ। तुमने आते ही गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। पिताजी ने गुस्से में आकर अगर कुछ कह दिया तो नाराज क्यों होते हो? तुम तो उनके लड़के हो, पर हो तो हमारे दोस्त अशोक। पिताजी कुछ कहेंगे तो तुम पछताओगे, और अगर तुम पछताओगे तो हम भी पछताएंगे। किसने कहा, किसने कहा कि मैं पछताऊंगा? मतलब तुम्हें फील नहीं हो रहा है? पहली बार होता तो फील करता, अब तो आदत सी हो चुकी है। पर यहां तकलीफ होती है। जिस दिन इस तकलीफ की कसर पिताजी तक पहुंचेगी ना, वो मुझे घर बुला लेंगे और वो दिन मेरे लिए खुशी का दिन होगा। बुलाएंगे, एक दिन जरूर बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। लेकिन तू क्यों मुंह लटकाए हुए रे? उन्होंने मुझे गलत कहा है, तुम्हें तो नहीं कहा। तुम हंसो, तुम्हारा उदास चेहरा नहीं देख सकता। उधारी देने के लिए कह रहा हूँ, तुम हंस रहे हो। उधारी तो कब के चुकता होगे? तुम्हारी गाड़ी की रिपेयरिंग नहीं की मैंने? ये क्या मजाक है भाई, दो बार रिपेयरिंग क्या कर दी कि उधार चुकता हो गया? क्या दो बार कह रहे हो? पिछले छह महीनों से तुम्हारी गाड़ी का फ्री में रिपेयर कर रहा हूँ। मेरा दिमाग मत घुमाओ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। वो तुम्हें आज पता चला क्या? I love you. I love you. I love you. I love you. कौन है वो? इतने खुलेआम तुम्हें I love you कह गया? इतनी हिम्मत है उसमें? ओके ओके, माना कि तुम दिखने में खूबसूरत हो, तो क्या वो तुम्हें I love you कह देगा? तुम डांस क्लास में जाने वाली लड़की, उस रास्ते पर गई क्यों? ओके, लेकिन क्या तुम किसी भी संगीत की धुन पर नाचने लगोगी? लेकिन तुमने उसे ऐसे कैसे छोड़ दिया? ओके ओके, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था, इसलिए फर्स्ट टाइम तुम बच गए। तुम्हें अपनी सांसों पर जरा भी यकीन है तो इसे यहीं पे रोक दो। I love you. फिर से तुम मेरे नजरों में आए ना, तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी मुझे। मारो, मारो। को और इस चेपी को कोई छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। मारो, मुझे मारा, मुझे मारने की कोशिश की, जे मारा, मार, ये ले मार, जे मार, 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 और मार। उस केके को देखकर ये डर गया, जो केके से डर गया,
उसको इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। नहीं भाई, इसे मानने से कुछ नहीं होगा। इलेक्शन में तुम्हारे सीट के लिए केके कोशिश कर रहा है। तब वो केके जिंदा भी नहीं रहेगा। उस केके को मारना उतना आसान नहीं है। सुनो भाई, इसलिए भी मंगवा रहा हूँ। उस केके के लिए वही लोग ठीक हैं। उसे ऐसी मौत मारेंगे उसकी लाश तक का पता नहीं चलने देंगे। हाँ हाँ डेविड राज बोलो। हाय बिहारी लोग शहर में आ चुके हैं। सुनो डेविड, तुम उन लोगों को रिसीव करोगे और सभी चीजों का अरेंजमेंट करोगे और तुम इस काम को सही तरीके से अंजाम दोगे और इस बात की किसी तीसरे को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ओके ओके। डेविड राज। ओ डेविड राज आवा। बोला भाई, हमरे जेपी साहब कैसन हो? एकदम ठीक ठाक। ओके बैठा। जेपी साहब ने भेजा आपके लिए। जेपी साहब ने भेजा था ले। या, आप सब ठीक है ना? देखा भैया, हमरा के पैसन से मतलब बा। पैसा ले आइल बानी का? जल्दी निकाला रुपए। काम होने तक संभल कर रहो। केके को मारने आए हो, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए इस होटल में। बच्चन जैसी बात नहीं करा, ये होटल हमार बा, तू फिक्र नहीं करा। केके के बारे में तुम लोग नहीं जानते हो। उसे मारने के लिए तुमने क्या प्लान किया? प्लान प्लान करके कौन बंगला बनावे का? तू कहाँ रहता हुआ ये बतावा, उकर के साथ कितने लोग रहता हुआ ये बतावा, बस डायरेक्ट जाके फटाक उड़ाई देव और खेल खत्म। केके इज वेरी डेंजरस फेलो, तुम नहीं जानते। अरे चुप, इतना काहे कापा था? बेयारी गांग है, सौ मर्डर करत रहली, हम शेर को भी मारत रहली, उ केके कौन शेर हका? अरे भाई, तू इस फील्ड में कैसन आ गई ली? फिकर मत करा, केके का फोटा दिखावा और फूटा ही यहाँ से। और इस बात की किसी तीसरे को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ओके ओके। ऐसे होगा भाई। थैंक यू मिस्टर डेविड इस इंफॉर्मेशन के लिए। भाई भाई, वो केके मारा गया, अभी सिर्फ उसका बड़ा भाई और छोटा भाई सुन रहे हैं। जरा इधर तो देखो। के भाई से पंगा लेने वाले का यही अंजाम होता है। पांडे, इसका भाई भी नहीं बचना चाहिए। हाँ।